नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम आपके सामने लाए हैं एक रोचक और गंभीर विवाद की कहानी जो कि क्रिकेट के महासमर्थक रोहित शर्मा के बयान के आधार पर उभरी है। मुंबई इंडियंस की कप्तानी जाने के बाद रोहित शर्मा आईपीएल 2024 में कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनकी बैटिंग के चर्चे चारों तरफ है। लेकिन इसी बीच इस दिग्गज ने एक बड़ा बयान दिया है जो कि काफी वायरल हो रहा है। यह विवाद न केवल क्रिकेट की दुनिया में बल्कि हम सभी के लिए एक सोचने का विषय है। दरअसल यह विवाद रोहित शर्मा और आईपीएल 2024 के इंपैक्ट प्लेयर नियम के बीच है। क्रिकेट के इस महासमर्थक ने अपने बयान से कैसे खेल के मानचित्र को हिला दिया है और इसके क्या महत्व है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देर के आइए शुरू करते हैं। रोहित शर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें आईपीएल का इंपैक्ट प्लेयर नियम पसंद नहीं आया क्योंकि इससे ऑलराउंडर का नुकसान है। क्या रोहित शर्मा के बयान में कुछ सच्चाई है या सिर्फ एक बड़ा विवाद है? चलिए इस गहरे सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। इस अनोखे विवाद की गहराई में चलकर जानते हैं कि रोहित शर्मा ने क्यों कहा कि इंपैक्ट प्लेयर नियम ने ऑलराउंडर को कैसे प्रभावित किया है। दरअसल रोहित शर्मा ने कहा कि इंपैक्ट प्लेयर नियम से भारतीय क्रिकेट में ऑलराउंडर के विकास में दिक्कत हो सकती है। इंपैक्ट प्लेयर नियम की वजह से वाशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं। इंपैक्ट प्लेयर नियम आने के बाद से शिवम दुबे ने आईपीएल में गेंदबाजी नहीं की है, वो बतौर बल्लेबाज चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे हैं। इंपैक्ट प्लेयर का रूल आईपीएल 2023 से ही लागू है। खेल के हालात को देखते हुए टीम अपने हिसाब से स्पेशलिस्ट बल्लेबाज या स्पेशलिस्ट गेंदबाज को मैदान में उतारती है। इस बयान ने क्रिकेट इंडस्ट्री में एक बड़ा चर्चा शुरू किया। रोहित शर्मा के इस बयान को लेकर हर कोई अपने विचार रख रहा है। अगले मैच में क्या होगा या तो समय ही बताएगा। उन्होंने कहा कि इस नियम के चलते गेंदबाज को प्रोत्साहित करने में मुश्किल हो सकती है। उन्होंने उदाहरण के रूप में वाशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे का जिक्र किया जो अब बल्लेबाजी के लिए खेल रहे हैं। यह बयान बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप का ऐलान जल्द ही होने वाला है। रोहित शर्मा के इस बड़े बयान से आईपीएल के मैदान में एक नई उलझन पैदा हो रही है। उन्होंने इस नियम को चुनौती दी है जिससे ऑलराउंडर को हो सकता है नुकसान। यह बयान बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले दो हफ्तों में T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का सिलेक्शन होना है। दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि कैसे रोहित शर्मा ने आईपीएल 2024 में इंपैक्ट प्लेयर नियम को लेकर अपने विचार साझा किए। यह विवाद न केवल क्रिकेट की दुनिया में बल्कि हम सभी के लिए एक सोचने का विषय है। यहाँ तक हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर, और अगर वीडियो पसंद नहीं आई हो तो कमेंट में हमें फीडबैक जरूर दें।